कैसे आप सब? सर मेरा नाम है शुभम जैन और सर मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ वीडियोस लेके। और सर आप जानते हैं कि जो मेरी जो है स्पेशलिटी है सर वो कॉमर्स में है। तो सर मैं बेसिकली बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इनकम टैक्स एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड जो है अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा। सर मेरा नाम है सर शुभम जैन और सर जो मेरे पेज का नाम है सर मेरे पेज का नाम है सर लर्न विद फन। सर आपको समझ है, होप सो आपको सर पसंद आएगा। एंड सर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डेट इज़ 9718463066। एंड सर मेरा कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं सर 9625357515 है। सर मेरा नाम है शुभम जैन। बेसिकली सर मैं सेकंड ईयर में हूँ एंड सर मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी सर मैं आप लोगों के लिए जो है काम आता रहूँ। सर अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो सर प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सर मेरे पेज का नाम है सर लर्न विद फन जैन। सर ये ऐसे है, आपको ऐसे मिल जाएगा। और सर सर बेसिकली आज हम इकट्ठे हुए सर इस वक्त में आपका ज़्यादा वक्त ना लिए हुए अपनी वीडियो को है जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। होप सो सर हम जो है आगे जो है बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, सर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, हम शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले कहाँ से? जी सर हम शुरुआत करेंगे सर मैनेजमेंट से। सर आपको पता होगा आपका बिजनेस स्टडी का सर पहला चैप्टर क्या है। सर आपका बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है सर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर अगर सर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो सर प्लीज़ कॉपरेट कर लीजिएगा। सर जैसे वैसे कि मैं साथ साथ बोल रहा हूँ आपको होप्स है समझ आ जाए। सर मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में MGT भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी सर, तो सर आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? हाँ जी सर, सर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? जी सर, हम मैनेजमेंट से सर बेसिकली बच्चों का जो कहना होता है कि सर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है सर एक काम करने वाले लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं। जी सर आपने जो है एकदम ये बात करेक्ट कही। सर मैं थोड़ा और इसको जो है एलोबरेट करता हूँ। सर कैसे? आई एम सो सॉरी सर, सबसे पहले सर वर्ड आया है सर मैनेजमेंट। सर चैप्टरों को समझने से पहले समझना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या होता है। सर मैनेजमेंट क्या है? एक जो है क्या है सर, प्रोसेस है। एक क्या है सर, प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? कि आपका जो है गोल अचीव हो जाए। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया बात है। क्या है सर एक मैनेजमेंट? क्या है सर, एक प्रोसेस है कि ताकि जो आपका गोल है सर वो अचीव हो जाए। सर बट कैसे? सर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि आपका एक एम सेट होता है कि जो आप अपना काम है पूर्ण करें, पूरी मैनेजमेंट का एक कॉमन गोल जो जो है आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है उसे पूरा कर सके। तो सर आप एक बार जरा मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे, सर मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। सर थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, इस पर थोड़ा लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, कृपया समझे। प्रोसेस है सर कि आपका जो है काम पूरा हो जाए इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। हाँ जी सर, सर यही है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो सर मैं मैनेजमेंट का आपको फिर से मतलब बता दूँ। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर आपने इसमें दो वर्ड सुने होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सर ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होते क्या है? क्या चीज़ सर? सर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जी सर मैं बताना चाहूँगा इफेक्टिव मीन्स। हाँ जी सर, इफेक्टिव मीन्स होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफेक्टिव। सर इफेक्टिव मतलब, सर इफेक्टिव मतलब होता है कि आपने जो है काम पूरा करा। सर हिंदी में लिखते हैं काम पूरा करा, काम पूरा करा। जी सर मतलब, सर इफेक्टिव मतलब ये होता है कि कुछ भी, मतलब कि अगर आपको कोई काम जो है 100 रुपये में पूरा करना है बट आपने वो कार्य 150 रुपये में पूरा करा, नो मैटर, आपने काम तो पूरा करा ना, आपने काम तो पूरा करा ना। सर इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा काम पूरा होने पर ही देखा जाता है। तो सर हम कह सकते हैं इफेक्टिव का मतलब होता है काम पूरे होने पर देखा जाना, कि इट इज़ ओनली कंसर्न विथ कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ठीक है सर, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ठीक है सर, इसका मतलब ये होता है। बट सर अगर आप दूसरी तरफ जाए तो एफिशिएंट मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मतलब क्या होता है? जी सर, सर किसका मतलब? एफिशिएंट सर, एफिशिएंट मतलब, सर एफिशिएंट मतलब काम मतलब होता है कि आपने जो है काम तो पूरा करा,
काम तो पूरा करा बट टाइम पे भी पूरा करा, बट अगर 100 रुपये का काम है ना सर, 100 रुपये का अगर एक्चुअल काम है ना, वो काम आपने 80 रुपये में करा, ठीक है सर, और उस काम को करने के लिए अगर 1 आवर लगता है ना सर, सर वही काम आपने जो है 40 मिनट्स में करा, 40 मिनट्स में करा सर, ये होता है एफिशिएंट। तो सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, बट सर अगर देखा जाए तो हर इंसान को जो है, हर सर मैनेजमेंट को नहीं, हर किसी को जो काम है सर वो एफिशिएंट तरीके से ही जो है करना चाहिए। तो सर आपको इन दो बातों के बारे में पता चला होगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, तो सर आप इसे जो है रिकॉल कर सकते हैं सर, वीडियो आपके पास है, आप चाहे इसे जितनी बार रिमाइंड करें सर, ये वीडियो जो है आपके पास जो है रहेगी। एंड सर जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो सर आप अपनी रिस्पेक्टिव जो बुक जो है अपने पास आगे रखें, और सर जो है रिकैप रिकैप करते रहिए कि आपकी जो बॉडी में जो है कॉन्सेप्ट जाता रहेगा, और सर आप शाइन करते रहेंगे। सर ये था सर मैनेजमेंट के बारे में कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, और सर मैनेजमेंट के अंदर जो दो क्रिटिकल वर्ड्स जो है प्रयोग हो रहे थे, मैंने उसका जो है आपको जो है मीनिंग भी समझाया है। सर अब हम इसी के साथ बढ़ने लगे हैं आगे, सर हम अब आगे आए हैं कि क्या सर एक मैनेजमेंट, सर क्या उस मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं? सर वी नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव, हाँ सर आपने बताया, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्त एम को अचीव करना, क्या होता है दोस्त एम को अचीव करना। बट सर हम अगर दोस्त देखें मैनेजमेंट से अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो सर और भी कई ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इतने कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है तो क्या जितना वो पैसा खर्च रही है क्या उतना ही पैसा उसे रिकवर करना पड़ेगा? जी सर बिल्कुल ही करना पड़ेगा। क्या सर उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? जी सर प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। क्या सर उसे ग्रो करना पड़ेगा? हाँ जी सर उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। सर कैसे आप बता बोलना क्या चाहते हो? सर पहला ऑब्जेक्टिव सर मैंने क्या बोला, सर पहला ऑब्जेक्टिव मैंने बोला सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक, मतलब जो हमें पैसा आ जाए वो है इकोनॉमिक। बट इकोनॉमिक के अंदर भी सर 3 टाइप आ जाते हैं, क्या सर्वाइवल। सर सर्वाइवल मतलब, सर सर्वाइवल मतलब ये होता है कि आपने जितना पैसा एक अपने बिजनेस में लगाया आपको उतना तो रिकवर करना है। मान लो आपने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए तो मतलब आपका रेवेन्यू इतना तो होना चाहिए कि आप जो है अपनी सेल 10 लाख कर लो कि ताकि आप उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है सर्वाइव कर पाओ। बात क्लियर होती है? नहीं सर सर्वाइवल तो करना ही करना है, बट सर अगर आपको अपना अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो सर प्रॉफिट भी तो सर कमाना पड़ेगा ना। अरे सर प्रॉफिट, अरे दोस्त प्रॉफिट कैसे? जी सर प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि प्रॉफिट का रोल ये है ना कि वो आपकी सर्वाइवल में मदद करता है, मतलब आपकी कॉस्ट तो रिकवर कर ही देगा, बट सर अगर आपका कोई बिजनेस में रिस्क होने वाला है ना सर, रिस्क रिस्क, तो सर वो उसको भी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। जैसे इट इज़ इसेंशियल टू मीट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो कवर द बिजनेस रिस्क, ठीक है सर। सर क्या प्रॉफिट ही जरूरी है? नहीं सर, सर सर्वाइवल भी जरूरी है, सर प्रॉफिट भी जरूरी है, बट सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स ग्रोथ। सर क्या बिजनेस की ग्रोथ भी जरूरी है? सर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैज 3 टाइप्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर ग्रोथ, सर ग्रोथ का मतलब होता है टू रिमेन द मार्केट, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ। मीन्स सर जो है बिजनेस की ग्रोथ होती रहे चाहे प्रॉफिट से हो चाहे किसी चीज़ से हो। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ का सर सबसे बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के जो है जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सर, प्रोडक्ट्स उसमें इंक्रीज आ रहा है, प्रोडक्ट्स में इंक्रीज आ रहा है सर, कोई भी जो है सर मार्केट शेयर जो है किसी भी कंपनी का या मैनेजमेंट का सर वो बढ़ रहा है, तो सर हम मानेंगे कि उस कंपनी की जो है जो ग्रोथ हो रही है। सर ऑब्जेक्टिव हमने पहला पढ़ा कौन सा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर ये पहला था सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं सर आगे, सर बी, सर दूसरा होता है सर सोशल ऑब्जेक्टिव। सर मैं आपसे बेसिकली पूछता हूँ जो आप अपने बिजनेस पर सर जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं क्या सर वो रिसोर्सेज आपके हैं? नहीं सर वो है सर सोसाइटी के। जी सर क्या आप सारा काम खुद करते हैं? नहीं सर, सर हम लेबर लाते हैं। अच्छा लेबर लाते हैं, सर लेबर को कहते हैं सर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब
जो इंसान लगा हुआ है काम करने में आपके लिए। सर ये दोनों चीज़ें क्या है सर, सोशल है। अगर सर आप ये सोसाइटी की अगर ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो सर आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, सर आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि जो आप है सोसाइटी के लिए कुछ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें मतलब एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें, ठीक है सर, एम्प्लॉय को जो अच्छी सैलरी दे। और सर ऐसा सर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो सर हेल्थ हेल्थ कैंप जो होते हैं सर वो ऑर्गेनाइज़ करवाए, है ना सर, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करें। मेरा कहने का मतलब ये है सर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें ना सर। सर जो पॉल्यूशन, जो सर आप इतना पॉल्यूशन अगर फॉर एग्जांपल करते हैं तो सर लोगों के लिए भी कुछ करें, स्वच्छ भारत अभियान में सर अपना सहयोग लगाएं, मेरा मतलब है कि समाज के लिए कुछ करें। जी सर मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इकोनॉमिक हुआ सोशल हुआ, सर अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे सर थर्ड पार्ट जो सी कहता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव डेट इज़ कॉल्ड पर्स सैम सो सॉरी पर्सन पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सोनल नाम तो सुना सुना लग रहा है सर, इट्स ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल सर यही तात्पर्य है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल का ह्यूमन रिसोर्स है कि सर आपकी जो मैनेजमेंट है, जो सर पर्सोनल एचआर यानी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है सर उसकी देखभाल करनी एक मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है सर, उसका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए क्योंकि सर ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अगर आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखेंगे तो सर आपकी मैनेजमेंट तरक्की करेगी क्योंकि सर फिर मैन जो आपका पर्सोनल या ह्यूमन रिसोर्स है आपका एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम करेगा। तो सर हमें जो है ह्यूमन नीड्स की, इंडिविजुअल नीड्स की, एम्प्लॉय की नीड्स की जो है सर हमेशा जो है उसको देखते रहना चाहिए। कैसे सर हम उसको देखेंगे, कैसे सर हम उसकी मदद कैसे करेंगे, जैसे सर हम जो है उसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए सर उसे अच्छी सैलरी देंगे, ठीक है सर, सर और उसको पीयर रिकॉग्निशन देंगे, मतलब सर उसे एक स्टेटस देंगे इस सोसाइटी में कि उसे लोग आपके नाम से जाने, क्यों नहीं कि ऐरा गैरा नत्थू गैरा आया काम करके चला गया, नहीं सर वो भी आपकी जो है मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसे इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है सर। सर तीन ऑब्जेक्टिव बताइए सर फटाफट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक के तीन बच्चे, सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के लिए कुछ करना है, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए कुछ करना है, उनको सैलरी देनी है। सर क्या ये थे सर मैनेजमेंट, और हमने करे सर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। सर अब हम आगे बढ़ते हैं, सर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ, जी सर मैं बढ़ रहा हूँ, हाँ जी मेरे दोस्त, तो मैं जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जी भाई मैं आ गया हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। सर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप बता सकते हैं क्या होता है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है सर उसका, हम कहते हैं ना उसका कैरेक्टर कैसा है, मतलब सर उसके अंदर क्या क्या बातें हैं सर, उसके अंदर क्या क्या विशेषता है। सर मैनेजमेंट सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर सर विशेषता ही विशेषता है। तो सर मैं इसकी जो है पहली विशेषता से शुरुआत करना जा रहा हूँ जो कि है बहुत, मतलब इतनी नॉलेज बढ़ा देंगे ना ये आपकी। सर अपनी मैनेजमेंट की सर पहली डेफिनेशन का वर्ड बोलिए, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है सर, गोल ओरिएंटेड, ये मतलब सारे लोग मिलके किसके लिए काम करते हैं, गोल के लिए ना सर, निकल के आया पहला ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका, सॉरी क्या है सर, पहला ऑब्जेक्टिव इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है सर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है सर, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्यों कैसे सर, ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट मतलब सर ये मर्ज करता है, क्या मर्ज करता है सर, ये जोड़ता है किस चीज़ को, ये एफर्ट्स को जोड़ता है हर एक इंडिविजुअल के, कैसे सर एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या एक मैनेजमेंट सिर्फ अकेला बंदा काम करता है, अरे नहीं बाबा, एक मैनेजमेंट पे एक चिंटू काम नहीं करता, एक मैनेजमेंट में सर एक दो तीन चार सर ये बहुत सारे सोन काम करते हैं सर, अगर इन्हीं के एफर्ट को जो है जोड़ दिया जाए तो सर एक पहाड़ जैसा एक मैनेजमेंट तैयार होती है और सर वो काम करती है एक कॉमन गोल के लिए। सर किसके लिए, मैंने सर गोल नहीं बोला सर, मैंने बोला सर कॉमन गोल, कॉमन गोल, ठीक है सर, ये उनके लिए जो है काम करती है। जी सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सर,
करेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं सर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड सर सेकंड है सर ऑल परवेसिव। ओ माय गॉड सर, परवेसिव मतलब हर जगह। पहला रिमेंबर, परवेसिव मतलब हर जगह। दो बार बोलिए सर, आपको मेरे साथ बोलते रहना पड़ेगा, मैं बार बार कहूँगा। सर अगर आप मेरे साथ बोलेंगे सर, आपकी जो इतनी ज़्यादा रिवीजन हो गया सर, आपको जो है उतना ज़्यादा ये जो है वो बातें आपके माइंड में जाएगी। सर परवेसिव का मतलब है, ऑल परवेसिव का मतलब है सर, क्योंकि जो मैनेजमेंट हो ना सर, एक जो ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये सिर्फ यहीं अप्लाई नहीं होता कि मैनेजमेंट की ज़रूरत सिर्फ ना एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस में नहीं है सर। जो ये है ऑल परवेसिव है सर, जो इसकी जो नीड है, मैनेजमेंट की जो नीड है, इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ एवरीवेयर सर, एक जगह नहीं है सर। मैनेजमेंट की जो नीड है सर, वो हर जगह है। मैनेजमेंट की जो नीड है सर, वो हर जगह है। मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है सर। मैनेजमेंट की नीड सिर्फ एक बिजनेस में नहीं, मैनेजमेंट की नीड एक नॉन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एक क्रिकेट टीम सर, मैनेजमेंट की जो है जरूरत जो है सर, वो हर जगह है सर। मैं तो कर सर, मैनेजमेंट की जरूरत सर बीजेपी में भी है, पॉलिटिकल इश्यूज में भी है, क्योंकि सर मोदी जी अकेले काम नहीं करते, मोदी जी के नीचे और भी बंदे हैं। जब एक टीम एक मैनेजमेंट मिलकर काम करती है, चाहे वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करे, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करे, चाहे क्रिकेट टीम में करे या किसी पॉलिटिकल पार्टी में करे सर, मैनेजमेंट की जरूरत जो है हर जगह है। जी सर, सर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये था सर दूसरा करेक्टरिस्टिक। सर मैं तीसरा करेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ रहा हूँ सर। तीसरा करेक्टरिस्टिक कहता है कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स सर, मल्टी डायमेंशनल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं सर, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। सर इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मल्टी डायमेंशनल ऐसे है कि सर एक मैनेजमेंट में वर्क होता है जी सर, एक हर मैनेजमेंट एक काम होता है। हर वो मैनेजमेंट क्या करती है, अपने वर्क को जो है गोल्स के अंदर ट्रांसफ़र करती है सर। मल्टी डायमेंशनल एज अ वर्क पीपल सर, हाउ? क्योंकि सर मल्टी डायमेंशन मैनेजमेंट जो अकेले काम नहीं करती है सर, उसके अंदर जो है स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग मतलब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम लोगों को लाते हैं कि सर मैं हमारी मैनेजमेंट में काम करो, फिर हम उसे मॉनिटर करते हैं, मतलब उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। और सर ऑपरेशन सर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए सेल एंड परचेज करनी ज़रूरी है, क्योंकि सर अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेगी, परचेज नहीं करेगी, वो सेल नहीं करेगी, तो सर वो मैनेजमेंट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सर ये था सर तीसरा हमारा करेक्टरिस्टिक। सर अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ सर, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें सर, इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी सर। अगर आपको लगे, क्योंकि सर मैं न्यू यहाँ आया हूँ, अगर लगे कि इसमें थोड़ा सा भी सर मैं थोड़ा सर अपना बेस्ट नहीं दे, तो सर मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बोले, मैं सर अपनी जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। सर मैनेजमेंट एक है सर, चौथा करेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर हाउ इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस? सर मेरा मतलब है कि मैनेजमेंट सर एक टाइम पड़ाव पे आगे रुकती नहीं है सर, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर एक काम एक दूसरे से जो है इंटरलिंक्ड है, कि हर एक काम अकेला बंदा नहीं करता, हर मैनेजर के द्वारा करा जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल एक काम प्रोडक्शन ने करा, तो सर प्रोडक्शन ने अपना काम नहीं, प्रोडक्शन ने अपना काम जो है प्रोडक्ट सेल्स वाले को दिया, मतलब कि सेल्स वाले ने फाइनेंस को दिया, मतलब हर एक काम जो है इंटरलिंक है सर, कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैनेजमेंट का एक गोल पूरा हुआ, तो सर एक गोल पूरे होने के बाद वो आगे बढ़ती है सर, मैनेजमेंट रुकती नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर होप सो इस वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर मैं पाँचवा, सर पाँचवा शायद मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस हो रहा है सर, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, बट कॉन्फिडेंस लग रहा है कि सर जो मैनेजमेंट है सर, वो है सर एक ग्रुप, बोल दो सर आगे, एक्टिविटी। सर क्या इसमें मेरे को बताने के, फिर भी सर मैं आपको बताऊंगा। सर क्या मैनेजमेंट अकेला बंदा काम करता है मिलके? नहीं सर। सर क्या जो मैनेजमेंट है सर वो मिलके काम करती है? सर इंडिविजुअल इंटीग्रेट द एफर्ट, मतलब सर हर एक इंडिविजुअल के जो एफर्ट है वो जुड़ जाते हैं और वो काम पे लग जाते हैं अपना गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है सर? तो सर हर एक लोग ग्रुप में काम करते हैं, तो सर इसका नाम है सर ग्रुप एक्टिविटी। सर होप सो क्लियर हो। सर इसका जो सर एक और करेक्टरिस्टिक है, डैट इज डायनामिक। सर डायनामिक का मतलब आप क्या समझते हैं? सर डायनामिक का मतलब सर मैं कहता हूँ, डायनामिक का मतलब होता है सर फ्लेक्सिबल। सर फ्लेक्सिबल, सर फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है सर? मतलब लचका पुचका। फ्लेक्सिबल मीन्स लचका पुचका, कि सर फ्लेक्सिबल मीन्स ये होता है कि जो चीज़ अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में उसे ढाले सर, वो उसी इन्वायरमेंट में ढल जाती है, मतलब सर हम उसे कहीं भी फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वाटर, वाटर को आप चाहे स्क्वायर में डाले, चाहे
आप जो है उसे जो है रिंग में डाले सर, वो उसी तरह की शेप धारण कर लेता है सर। ऐसे ही प्यारी प्यारी हमारी जो मैनेजमेंट है ना सर, ये कॉन्सेप्ट जो है वहाँ भी अप्लाई होता है। बट हाउ? ठीक है सर, सर एक बात बताइए, मैनेजमेंट सर जो है फ्लेक्सिबल है, वो जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो उसे जो है अपने जो है हिसाब से वो है अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। आज जो है, पहले जो है बटन वाले मोबाइल जो है बनते थे, बटन वाले जो है मोबाइल मोबाइल जो है बनते थे, बटन वाले ये बटन है सर, छोटे छोटे बनते थे सर। पहले लोग इनको ख़रीदना पसंद करते थे, पर सर अब नाउ नाउ इन्वायरमेंट इज़ चेंज सर। अब जो है सर, लोग जो है स्मार्टफोन जो है यूज़ कर दे सर, इतनी बड़ी बड़ी उसकी स्क्रीन है, फिर स्क्रीन है। अब सर एक बात बताइए, अगर कोई भी मैनेजमेंट अब ये वाले मोबाइल बनाएगी तो सर क्या वो लॉस में नहीं जाएगी? जी सर जाएगी, क्योंकि सर अब ज़माना ही इसका है। तो सर वो क्या है, फोकस फोकस जो है सर, अब वो सर इस पे करेगी कि ताकि इसकी सेल बढ़े। समझ रहे हैं सर? तो सर मैनेजमेंट अब अपने आप को चेंज करा कि नहीं? जी सर बिल्कुल भी, बिल्कुल चेंज करा सर। नाउ लास्ट करेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल। सर आप अब 12th क्लास में आ गए हैं, तो सर आपने 11th क्लास में सर इनटेंजिबल का मतलब तो सुना ही होगा। इनटेंजिबल सर, इनटेंजिबल का मतलब होता है कांट सी कांट टच बट फील। सर हम जो है उसे फील कर सकते हैं सर, यही है कैरेक्टरिस्टिक। सर यहाँ तक आपको होप्स में बात क्लियर हुई होगी, थोड़ा सा जो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सर हमने क्या क्या पढ़ा सर? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े सर, मन मन में बोलिएगा प्लीज़। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तीन बच्चे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज़ अ ऑल परवेसिव, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है सर, सर मैं इसी के साथ जो है आगे बढ़ना चाहूँगा सर। अब मैं बढ़ सर हमें नए टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा सर। उस टॉपिक का नाम है सर हमारे पास, क्या है सर? सर उस टॉपिक का नाम है हमारे पास सर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या है सर? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी सर बिल्कुल, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इम्पोर्टेंस सर, हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है सर। इम्पोर्टेंस मतलब कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है सर। अगर आप जो है बड़े होके जो है आप जो है फॉर एग्जांपल सीए बनोगे या डॉक्टर बनोगे, तो सर उस प्रोफेशन की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है सर? आपकी गर्लफ्रेंड है सर, उस आपकी लाइफ में उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है सर? हम कुछ भी कह सकते हैं। तो सर हर एक मैनेजमेंट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट के फॉर्म में काम कर रही है, मतलब मिलकर काम कर रही है अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो सर आप बताएंगे कि उस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? सर बहुत सर, पहली इम्पोर्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ये हेल्प करता, मतलब वो चीज़ आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है। जैसे सर पहली जो है इम्पोर्टेंस है वो है सर अचीविंग अचीविंग ग्रुप गोल्स। सर हर एक ग्रुप का कॉमन गोल है, वो उसे अचीव करने में जो है मदद करती हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब सर हर देखना कि सर जितने भी इंडिविजुअल के जो एफर्ट है ना सर, वो मतलब सर हर एक इंडिविजुअल ना डायरेक्ट हो रहा है एक अंडर, मतलब कि डायरेक्ट मतलब होता है सर उसको देखना, उसे मॉनिटर करना कि सर हर इंडिविजुअल के जो एफर्ट है सर वो एक कॉमन डायरेक्शन में एक कॉमन डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है सर, अपने गोल को जो है अचीव करने के लिए। तो सर सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है सर? अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है सर। सर वो हमारी जो दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है सर एफिशिएंसी। सर क्या मैंने आपको एफिशिएंसी का मतलब बताया था क्या होता है? एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी का मतलब होता है सर लेस टाइम। आपने 100 ग्राम की चीज़ 80 ग्राम में बनाई और एक घंटे का काम अगर आपने 40 मिनट में करा सर, वो बंदा कहलाएगा एफिशिएंसी। एक बात बताइए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक बात बताइए, अगर लोग मिलके काम करेंगे मैनेजमेंट में, मतलब सर
मिल के अगर काम करेंगे तो सर, अगर वो लोग मिल के काम करेंगे तो सर क्या मैनेजमेंट की सर कॉस्ट रिड्यूस होगी? मतलब ऐसे काम करेंगे कि मैनेजमेंट की कॉस्ट रिड्यूस होगी और सर जो प्रोडक्शन है ना सर, प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगी, इसलिए हम सर कह सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीज द एफिशिएंसी एज द मेन मोटिव ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड द इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है सर? हाँ जी मेरे दोस्त, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ जी भाई, तो थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट सब आती है, इट इज़ सर। अरे यार, चिल्लड़ है क्या सर? करेक्टर स्ट्रिप में नहीं पढ़ा था कि डायनेमिक है मतलब फ्लेक्सिबल है? सर यही भी इम्पोर्टेंस है। हाउ मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनेमिक? ऑब्वियसली बात है सर, मैनेजमेंट में सर इतना पोटेंशियल है कि वो बटन वाले मोबाइल से लेके अपने आप को चेंज कर लेगी, नए इन्वायरमेंट पे अडेप्ट कर लेगी सर, स्क्रीन वाले मोबाइलों में। ठीक है सर? मतलब मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग पीपल टू इम्प्लीमेंट चेंजेस सो ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज। सर कॉम्पिटिटिव एज मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट अगर डायनामिक होगी ना तो वो अपने आप को ना अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पर ढाल लेगी, मतलब कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को खड़ी रहेगी। अगर सैमसंग बटन वाले मोबाइल बना रही है और सारी MI धुरंधर कंपनियाँ जो है ओ एप्पल है सर, वो टच वाले मोबाइल लॉन्च कर रहे करे जा रही है करे जा रही है, तो सर आप बताइए सैमसंग टिक पाएगी? नहीं। तो सर यही मैनेजमेंट की खास बात है, ये देख देख के जो है अपने आप को ना डायनामिक में नहीं फ्लेक्सिबल बना लेती है। ठीक है सर? सर अगला है सर, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सोनल कैसे? सर एक मैनेजमेंट है ना, एक मैनेजमेंट वो अपना गोल तो पूरा करती ही पूरा अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा करती ही पर करती है, पर मैनेजमेंट जो है ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग पर्सोनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज़। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव किसका सर? एम्प्लॉयज़ का, अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देती है कि सर वो अच्छे से काम करे, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देती है, उनको मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी भी देती है, उनके बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके लिए देती है कि ताकि जो है उनका जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट रहे अपने काम की तरफ और वो मन लगा के जो है काम करें। ठीक है सर? सर आपकी जो फिफ्थ इम्पोर्टेंस है सर, क्या बढ़ रहा है इम्पोर्टेंस? सर फिफ्थ इम्पोर्टेंस है सर वो है सर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर एक मैनेजमेंट है सर, वो हमारी जो है हमें प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेटर क्वालिटी के एक सोसाइटी के अंदर। तो एक बात बताइए, अगर वो हमें कोई भी मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो सर एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है सर, और सर हेल्प करेगी एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो सर एक बात बताइए जो है सर मैनेज सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल पहले जो कंपनी थी वो बनाती थी सर क्या, बटन वाले मोबाइल। सर अब नाउ कंपनी इन्वायरमेंट के साथ शिफ्ट हो गई है टच फोन पे, तो सर हमारे हाथ में नई टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि सर अब हमें जब बटन वाले मोबाइल थे हमें काफ़ी सारे काम मैनुअली मतलब पैदल जाके करने पड़ते थे, लाइक बैंक में जाना, शॉपिंग करना। बट सर जब से सर इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो सर अब जो है हमारा जो है हमारी डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी की। सर अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज अगर कोई प्रोड्यूस करेगी तो सर आप एग्जांपल ले लीजिए जियो का। सर जो जियो है सर हमें और लोगों से अच्छी सर्विस दे रहा है और एट अ रीजनेबल प्राइस, तो सर क्या इससे हम जो इंटरनेट के जो है जुड़ रहे हैं तो सर हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। तो यही है सर मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है सर? सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। जी सर। सर अब ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सर जो मेन क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं सर, आता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? सर मैनेजमेंट क्या बन जाती है? हेलो। हाँ जी जी सर। सर मैनेजमेंट सर क्या बन जाती है कि सर मैनेजमेंट को कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। जी सर, मैं थोड़ा सा आपको ये रीडिंग करना पड़ेगा, सो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। सर साइंस, सर साइंस से आप क्या समझते हैं? सर साइंस वो चीज़ होती है, साइंस क्या होती है सर? एक बार मैं थोड़ा प्लेन पे लेके आपको बताता हूँ कि सर साइंस क्या होती है। सर साइंस, सर जो साइंस होती है ना सर, सर वो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बनी होती है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं,
सर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं तब जो, और सर जो साइंस है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। अरे सर फॉर एग्जांपल जो हमारी साइंस होती है, आप चाहे अमेरिका में चले जाओ, आप चाहे किसी कोने में चले जाओ हमारी अर्थ के, अगर जो न्यूटन का लॉ है कि अगर सेब ऊपर फेंकोगे वो नीचे गिरेगा, सर ये थ्योरी है, सर ये साइंस की थ्योरी है, सर क्या ये इम्प्रैक्टिकल है? सर प्रैक्टिकल है, मतलब क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? जी सर ये तो यूनिवर्सल ही एप्लीकेबल है। सर कहना क्या चाहते हो? सर मैनेजमेंट में साइंस कहाँ से घुसा रहे हो? बताता हूँ दोस्त, सर हम भी ये कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। कैसे? सर मैनेजमेंट ना एक सिस्टमेटिक बॉडी है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सर जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं सर, वो ओवर अ नाइट नहीं बने, ओवर अ नाइट नहीं बने सर, उन्होंने जो है सर टाइम लिया है, टाइम के साथ बने हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो सर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट क्या है सर? एज अ साइंस है कि वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और सर वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे जो है बेस है। बट सर हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ना एक पूरी प्रॉपर साइंस नहीं है, प्रॉपर साइंस नहीं है, वो एक इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है। सर कैसे? सर इन एग्जैक्ट साइंस का मतलब होता है सर नॉट अ प्योर साइंस लाइक अ फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि सर हर एक मैनेजमेंट के जो एप्लीकेशन होते हैं ना प्रिंसिपल के, सर वो यूनिवर्सल नहीं होते। क्योंकि सर आप एक बात बताइए, हर एक मैनेजमेंट है ना सर, हर एक मैनेजमेंट के सर अपने तौर तरीके होते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, सर वो साइंस है, साइंस है, पर सर प्योर साइंस लाइक अ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो नहीं है। क्योंकि सर जो मैनेजमेंट के अंदर जो एप्लीकेशन है ना सर प्रिंसिपल्स की, वो सर मॉडिफाई होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर? सर ये है मैनेजमेंट एज अ साइंस। सर नाउ वी मूव फर्दर टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सर आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है सर एक कला। सर आपकी हैंड राइटिंग, सर मेरी तो बहुत गंदी है, आई एम सो सॉरी, बट सर हैंड राइटिंग क्या एक कला है? अरे सर बिल्कुल, हमारी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। सर क्या डांस करना एक कला है? म्यूजिक करना एक कला है? आपकी कोई भी एक्टिविटी है सर, क्या वो एक कला है? जी सर वो एक कला है। ठीक है सर? सर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज है थियोरेटिकल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कला है ना, तो आपको उस चीज़ की थोड़ी बहुत थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। सर हर एक मैनेजर के पास है ना अपनी पर्सनलाइज्ड और यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग होती है। अब सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सर लीजिए आगे एग्जांपल, मैनेजमेंट अकेली काम नहीं करती सर, लोग करते हैं। कैसे? क्योंकि सर हर एक मैनेजर जो उसके अंदर काम कर रहा है, हर जो इंसान उसके अंदर काम कर रहा है, हर उसके पास जो है ना अपनी पर्सनलाइज्ड, क्या सर बोला मैंने? पर्सनलाइज्ड मतलब अपनी खुद की, और सर उसके पास क्या है एक यूनिक स्टाइल है हर चीज़ को मैनेज करने का। ठीक है सर? समझ रहे हो? मतलब सर हर एक मैनेजर की, हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक कला है। क्या है सर? अपनी एक कला है सर। कला मतलब सर यूनिक स्टाइल है हर चीज़ को मैनेज करने का। ठीक है सर? और लोगों को मैनेज करने का। एंड गुड मैनेजर वर्क थ्रू आउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेगुलर प्रैक्टिस। सर उसकी जो प्रैक्टिस है ना सर, जो उसकी सर प्रैक्टिस है सर, वो रेगुलर बेस पे चल रही है। तो सर अगर वो कोई भी चीज़ रेगुलर करेगा तो उसमें क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। सर मैं वही कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है डांस कर रहा है, वो डांस ईयर बाय ईयर्स ईयर्स करता जा रहा है, तो सर जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतनी ही सर उसकी ग्रिप बनेगी, और सर वो उसके जो काम में उतनी ही जो है क्रिएटिविटी सर आएगी। ठीक है सर? यह सर मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सर अगला बताता है हमें कि मैनेजमेंट
एज अ प्रोफेशन सर मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है सर? बच्चों बिल्कुल बताऊंगा कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन कैसे है। होप सो सर मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में थोड़ा बहुत कुछ आ भी रहा होगा सर, मैनेजमेंट प्रोफेशन ऐसे है, बताते हैं सर। वट डू यू मीन बाई प्रोफेशन? वट डू यू मीन बाई प्रोफेशन? जब भी आपके माइंड में प्रोफेशन वर्ड आता होगा, मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा होगा, लाइक CA, CS, MBBS, ठीक है ना सर? ये होते हैं सर प्रोफेशनल बंदे, लाइक इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ऑल, लाइक CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ऑल, एंड लाइक एडवोकेट, ठीक है ना सर? ये सर कुछ प्रोफेशंस के नाम मैंने आपके आगे लिए हैं। सर एक बात बताइए, जो कोई भी प्रोफेशन होता है ना सर, जो कोई भी प्रोफेशन होता है सर, फ्यूचर प्रोफेशन सर, कोई भी प्रोफेशन है, एक वेल डिफाइंड बॉडी होता है नॉलेज की, जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स सर यू नहीं कि कोई भी आके मुंह खुला, मतलब आ गया उसके अंदर एंट्री मार ली प्रोफेशन के अंदर, ठीक है सर? हर एक उसके ना मतलब सर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। हर प्रोफेशन का अपना मोटिव होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि सर कोई भी उस मैनेजमेंट में सर जो है ऐसी एंट्री नहीं मार सकता। हर एक एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, तब जाके उस प्रोफेशन के अंदर जो है एंट्री मार सकते हो, ठीक है सर? सर ये सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे हुआ? सर प्रेजेंटली जो है ना, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सर मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका क्वेश्चन है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सर सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब, उसके बाद बोलेंगे कि सर मैनेजमेंट के अंदर जो है लगभग फीचर प्रोफेशन वाले हैं, बट सर पूरे नहीं आए हैं। होप सो कि ये उस पाथ पे है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल जो है बन जाएगा, ठीक है सर? सर ये था सर मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट, एंड मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट। सर हर एक मैनेजमेंट होती है सर, उसके कुछ लेवल डिफाइंस होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है सर? जी सर मैं बताता हूँ आपको। सर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सर टॉप लेवल। सर टॉप लेवल के अंदर सर सबसे पहले क्या उनको नाते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मतलब सर वो लोग जो डायरेक्टर है, जो उच्च दर्जे के लोग हैं, जो सर डिसीजन लेते हैं कंपनी का, और हर डिसीजन जो वो लेते हैं और हर डिसीजन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं सर टॉप मैनेजमेंट, लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं सर वो मैनेजेरियल डायरेक्टर भी हो सकते हैं सर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर वो चेयरमैन। सर ये लोग जो होते हैं ना सर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हर उस वेलफेयर के लिए, हर सर्वाइवल के लिए, कि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन चल भी नहीं की वजह से रही और मिटेगी भी नहीं की वजह से, एक तरीके से आप ये लगाइए। सर ये बहुत इजी पार्ट है, थोड़ा जल्दी इसे करेंगे। सर नेक्स्ट है सर मिडल, मिडल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिडल मैनेजमेंट? सर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सर हमारे परचेज मैनेजर, लाइक सेल्स मैनेजर, मतलब सर इट इज़ इंटरैक्ट बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मीन्स मिडल मैनेजमेंट, जो बीच के लोग हैं, जो सर मैनेजमेंट के मिडल में काम कर रहे हैं, लाइक परचेज, सेल, ब्रांच मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, मतलब सर जो फिक्स एसेट वगैरह जो है मैनेज करता है। दे ऑल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड पॉलिसीज। सर अब मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ। सर टॉप लेवल ने जो है स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया, ठीक है सर? सर अब ये मिडल की ड्यूटी है कि जो वो प्लान है ना सर, जो टॉप लेवल ने दिया है, वो इसे सर इम्प्लीमेंट करे, मतलब अप्लाई करे, ठीक है जी? ये है सर इसका बेसिकली। सर अब हम थर्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं सर। सर थर्ड लेवल का नाम है सुपर वाइजरी, ठीक है जी? सर इसके अंदर होता है सर सुपरवाइजर फोरमैन। सुपरवाइजर जो सर ये मैनेजर्स होते हैं ना सर, ऑपरेशन मतलब, ऑपरेशन मतलब सर जो हर मैनेजमेंट को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, निगरानी रखते हैं, देखते हैं कि बंदा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सुपरवाइजरी मैनेजर जो होता है ना सर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड टू देम थ्रू मिडल लेवल मैनेजमेंट, कि
कि सर आप एक बात बताइए, टॉप लेवल ने तो सर अपना काम कर दिया, सर मिडल लेवल ने भी वो जो है अप्लाई कर दी, पर सर सुपरवाइजरी देखता है कि जो काम टॉप ने मिडल को दिया है और फिर जो मिडल ने आगे फॉरवर्ड करा है, क्या वो उस काम को लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी है सर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट की। ठीक है सर, ये है सर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी। सर मैं थोड़ा आगे बढ़ना अब चाहूँगा। सर जरूर बढ़ेंगे दोस्त हम। सर थोड़ा सा चैप्टर ये रह रहा है, फिर से फटाफट हम करके माइंड अप करते हैं। सर नेक्स्ट है सर फंक्शंस। सर मैनेजमेंट ऐसे काम क्या करती है? सर करेक्टरिस्टिक पढ़े, सर ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है सर, सर इम्पोर्टेंस पढ़ी। अब है सर फंक्शन। सर फंक्शन है सर, सर ये 3 फंक्शन है सर, अभी हम इसके नाम पढ़ेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि सर ये डिटेल में चैप्टर की फॉर्म में जो है आपको आगे दे रखे हैं। सर इसमें आपको हमारा सिर्फ इतना ही है। सर पहला है सर फंक्शन क्या है सर, प्लानिंग, प्लानिंग। दूसरा है सर ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है सर स्टाफिंग। फोर्थ है सर डायरेक्टिंग। फिफ्थ है सर मैनेजमेंट। सर अब इसके बारे में अपनी रिस्पेक्टिव बुकों से जरूर पढ़ेगा, फिर भी मैं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी मैनेजमेंट जो है फंक्शन कैसे करती है, हवा में नहीं। फर्स्ट है सर प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले उसका प्लान बनाना जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट सेट करो और अपने प्लान बनाओ कि आपका गोल अचीव हो सके। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, सिर्फ प्लान बनाना ही जरूरी नहीं है, प्लान बनाने के बाद जो जो बंदा जिस काम के लिए लायक है उसको उसकी ड्यूटी असाइन करो, उसको उसकी ड्यूटी दो और अपने जो टास्क है उसको ग्रुप में डिवाइड करो, हर किसी को उसकी अथॉरिटी दो काम करने की। ठीक है सर। सर तीसरा है स्टाफिंग। सर काम दोगे किसको? सर राइट पीपल ढूंढो। कि फॉर एग्जांपल स्टाफिंग का मतलब है अगर अकाउंट्स का काम है तो सर वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कर पाएगा। सर अकाउंट्स का काम सर कोई CA या कोई सर कोई जिस वो बंदा जिसने अकाउंट्स के फील्ड में काम कर रखा हो। सर मार्केटिंग का काम सर कोई आर्ट्स वाला बंदा नहीं कर पाएगा। सर मार्केट के लिए सर उसने MBA BBA अच्छा स्पेसिफाइड कोर्स कर रखा हो, उस बंदे को ढूंढो। इसका मतलब होता है स्टाफिंग। सर आपने से स्टाफिंग का काम तो आपने रख लिया लोगों को, वो काम कर भी रहे हैं बड़े आराम से, पर सर उनको डायरेक्शन दो, मतलब डायरेक्शन मतलब उनको बताओ कि आपको क्या काम करना है, उनके ऊपर निगरानी रखो, सुपरवाइज करो, उनको इंस्ट्रक्शन दो, उनको मोटिवेशन दो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, बातचीत करो कि वो ढंग से कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, देखो कि वो उनको ये काम करना है कि नहीं, कि उनको मोटिवेट करो कि यार तू ये काम ढंग से कर, उनको सुपरवाइज करो, देखो कि वो काम ढंग से कर तो रहे हैं कि नहीं, कि सर काम करने की बजाय कभी वो बीड़ी तो नहीं पी रहा, आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कि वो अपना टाइम पास तो नहीं कर रहा। सर इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग। सर नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। सर आपने जो है प्लान सेट करे, प्लान को अपने इम्प्लीमेंट करा, फिर सर आपको ये काम करना है कि कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कंट्रोलिंग इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। लेट मी एक्सप्लेन कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी जी थोड़ा समय दीजिएगा सर। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग सर कंट्रोलिंग का मतलब होता है सर जो भी आपने काम करा है ना सर उसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो आपका सर अभी एक्चुअल में काम हुआ है ना सर उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करो कि सर आपने इतना काम सोचा था इतना तो होना है, पर फिर जो उतना हुआ है ना सर उसको उससे कंपेयर करो। अगर काम अच्छा हो जाए तो बल्ले बल्ले, सर अगर कोई भी डेविएशन या कोई भी कमियां खामियां उसके अंदर निकलती है ना तो सर उससे रिलेटेड जो है स्टेप्स लो। सर मैंने आपको दोबारा बोला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये 5 मैनेजमेंट, आप अपनी बुक में से रीड करिए और जो है इसमें से समझिए, क्योंकि सर ये चैप्टर जो है खुल के आपके चैप्टर वाइज फॉर्म में आगे दे रखे हैं। सर इसको डिस्कशन हम जो है हम वहाँ करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सर अब हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेट मतलब सर मिलके काम करना, हर किसी को इक्वली इंपॉर्टेंस देना, कोऑर्डिनेशन में काम करना, अकेले तो काम नहीं करना है, कोऑर्डिनेट बना के मतलब एक संतुलन बना के काम करना। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सर हर किसी के एफर्ट को मिला के जोड़ के, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल परचेज अलग है, सेल अलग है, फाइनेंस अलग है, HR अलग है, तो सर ये सारे अकेले अकेले काम करें तो सर ऐसे मैनेजमेंट चल पाएगी? तीनों को इंटीग्रेट करो, मिलाओ और फिर काम करो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है ना सर।
सर ये है सर कोऑर्डिनेशन, सिर्फ बहुत इजी पार्ट है मेरे ख्याल से। आप इसे जब बुक में से अपनी रिस्पेक्टिव बुक में से पढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ के भी ना समझ आए तो मैं डैम श्योर हूँ जी, तो जो मैं वर्डिंग आपको बोल रहा हूँ उस वो आप समझिए, फिर आप रीड करेंगे तो आपको सर बहुत अच्छा लगेगा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स सर मिलके काम करना। अगर हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने अपने में लगा पड़ा है, अपना अपना काम कर रहा है, किसी को इज्जत नहीं दे रहा, तो सर डेट्स नॉट गुड। हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ठीक है सर, हर एक कोऑर्डिनेशन जो होता है सर, हर एक बताइए, हमने मैनेजमेंट के नेचर पढ़े, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सर क्या कोऑर्डिनेशन का भी कोई नेचर है? जी सर है सर, कोऑर्डिनेशन का सर नेचर है कि सर एक बात बताइए, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये क्या होता है? लोग मिलकर काम करेंगे, तो सर पहला नेचर आ गया सर ग्रुप एफर्ट्स, सर लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है सर, सर इंश्योर यूनिटी, सर अगर मिलकर काम करेंगे तो सर यूनिटी रहेगी। ठीक है सर, सर कोऑर्डिनेशन क्या सर, पहले हटाओ पहले लगाओ फिर रहने दो, ऐसा तो नहीं है ना सर कि कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी लगाएंगे मैनेजमेंट में फिर थोड़े टाइम में छोड़ देंगे? नहीं सर, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है सर? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। क्या कोऑर्डिनेशन क्या एक मैनेजमेंट में चाहिए? नहीं सर, एक एक जो कोऑर्डिनेशन है सर ये ऑल परवेसिव है। सर ऑल परवेसिव कैसे? सर एक बात बताइए, क्रिकेट मैनेजमेंट में भी हर एक खिलाड़ी को जो है ना अपने दूसरे खिलाड़ी को इक्वल इज्जत देनी चाहिए। ऐसा नहीं हर एक खिलाड़ी अपनी मन की कर रहा है, ठीक है सर, कि सर चाहे कैप्टन हो चाहे कौन हो, सर हर एक खिलाड़ी को अपने एक दूसरे को इक्वल इज्जत देनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए सर। इसलिए कोऑर्डिनेशन सर सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर लेवल हर डिपार्टमेंट में जो है चलता है। ठीक है सर, मतलब सर परचेज में भी सेल्स में भी हर किसी में सर। कोऑर्डिनेशन सर सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं ना सर, सर वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, सारे मैनेजर्स की, सारे मैनेजर्स की। ठीक है सर, चाहे वो टॉप हो चाहे मिडल हो चाहे लेवल हो। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन क्या है सर? एक डेलीब्रेट फंक्शन है। मैनेजमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कंसिशियस एंड डेलीब्रेट मैनर। सर डेलीब्रेट मतलब होता है सर एक बहुत अच्छा सर फंक्शन है। हम अपने आपको उसके और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि सर जो डेलीब्रेट होता है सर उसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग जो है सर क्या होता है। हाँ जी सर, सर बताते हैं सर। डेलीब्रेट सर, डेलीब्रेट मतलब होता है सर कॉर्पोरेट करना, मतलब कॉपरेट करना। कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू सर डेलीब्रेट फंक्शन, मतलब ये होता है कि अगर किसी मैनेजमेंट में, किसी मैनेजमेंट में सर अगर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो सर जो भी मैनेजमेंट में सर जो एफर्ट है ना सर, जो भी एफर्ट है ना सर, सर वो वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और सर अगर कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन है मे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय। सर मैं दोबारा बोलता हूँ, कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर आप कोऑपरेशन तो कर रहे हैं, सर आप कोऑपरेशन तो कर रहे हैं पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो सर आप रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। बोर एंड आप में कोऑर्डिनेशन तो है बट सर आप में कोऑपरेट नहीं है, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे तो सर वो डिससेटिस्फेक्शन लाएगा। सर कोऑर्डिनेशन कर रहे हो आप, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो सर हर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। सर ये थे सर हमारे नेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, कोऑर्डिनेशन जो है ना सर, कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट है सर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल है सर, मेरे ख्याल से आपको अपने आप से ही माइंड में थोड़ा बनाना चाहिए। सर अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो सर एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, तो सर अच्छी क्या क्या होगी सर? ग्रोथ होगी। ग्रोथ मीन्स कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट एफर्ट, मतलब एफर्ट को जोड़ते हैं हर किसी इंसान के, इस वजह से सर उसकी ग्रोथ होगी। सर दूसरा सर अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएशन, सर अगर हर एक डिपार्टमेंट में लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होगा तो सर, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सर ये मिलके सर यूनिटी में रहेंगे। सर ये क्या रहेंगे सर? मिलके रहेंगे। तो सर इस वजह से सर मैं आपको थोड़ा दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सर, सॉरी मैं अभी हकला गया। फंक्शनल डिफरेंशिएशन सर इसका मतलब ये है कि हर एक जो फंक्शन, जो हर डिपार्टमेंट जो है
फंक्शन चला रहा है ना सर, सर वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट पार्टनर सच एज मार्केटिंग, फाइनेंसिंग एटसेट्रा। कि जो सर इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन है ना सर, वो हर डिपार्टमेंट में रहना चाहिए कि सर कोऑर्डिनेट करते रहो, हर एक डिपार्टमेंट अकेला नहीं है, हर एक दूसरे डिपार्टमेंट को है सर उतनी ही इज्जत दो। सर स्पेशलाइजेशन, सर स्पेशलाइजेशन मीन्स क्या? डॉक्टर सर डॉक्टरी में स्पेशलाइज्ड है, क्या सर चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी में स्पेशलाइज्ड है? हाँ सर बिल्कुल भी। तो सर इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू, कि सर कोऑर्डिनेशन तब ही बनेगा और उसी के साथ बनेगा, उस बंदे के साथ बनेगा जो उसकी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशलाइज्ड एंड अदर मेंबर्स। ठीक है ना सर? सर कोऑर्डिनेशन मदद करता है, सर दोबारा बोले एक बार मेरे साथ, कोऑर्डिनेशन क्या करता है सर? इन मॉडर्न सर आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को सर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, भरपूर बंदा मतलब उसके पास हर चीज़ स्किल हो, हर चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो। सो ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, वो एम्प्लॉय करती है स्पेशलिस्ट कोई, ठीक है सर? एंड दे डो नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर मेंबर। वो हर किसी सजेशन नहीं लेती, वो सर सिर्फ स्पेशलाइज बंदों को जो है एम्प्लॉय करती है, विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। डैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन नीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशलाइज एंड अदर मेंबर्स। कि सर हर जो इंसान है सर वो अपनी ही स्पेशलाइजेशन में सर भरपूर है, अपनी स्पेशलाइज में अच्छा है। तो सर इसका मतलब ये है कि हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना सर एडवाइस या सजेशन लेने की जरूरत नहीं है और किसी मेंबर से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे मेंबर हैं तो सर उस अदर मेंबर से लेने की ना सर कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी एडवाइस ले, कि अगर वो एडवाइस लेगी तो सर हर बोलेंगे कि इस बंदे को नहीं लाना, उस बंदे को नहीं लाना। तो सर इस वजह से अगर कोऑर्डिनेशन आपको रखना है, इम्पोर्टेंस ये है कि हर एक मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड बंदा काम करता है, क्योंकि अगर स्पेशलाइजेशन बंदा काम करेगा, अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट वाला बंदा काम करेगा, तो सर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहेंगे स्पेशलाइज्ड एंड अदर मेंबर्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो जो है मेरी पसंद आई हो तो सर प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस करके सर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सर मैं इसके अलावा फिर और वीडियो लाते रहूँगा। सर थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।